हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज हेरोइन बरामदगी की बड़ी कार्यवाही। अनूपगढ़ क्षेत्र में बिजनौर बीओपी के पास आज 4 पैकेट हेरोइन बरामद। पुलिस व सीआईडी की संयुक्त कार्यवाही गंगानगर। 3 दिन पूर्व पकड़े 5 हीरोइन तस्करों से रिमांड में पूछताछ में अहम खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनूपगढ़ क्षेत्र में बिजनौर सीमा के चौकी के पास खेत में मिले 4 हीरोइन पैकेट। पूछताछ में हेरोइन तस्करों ने बताया कि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन से लाई गई हेरोइन। इस तरह भारत पाक सीमा पर 2 दिन में 7 किलो हेरोइन हुई बरामद। इनमें 3 किलो हेरोइन तो तस्करों ने अपने घर में सेफ्टी टैंक में फेंक दी थी। पुलिस ने सेफ्टी टैंक से फेंकी गई हेरोइन के अवशेष किए बरामद। फोरेंसिक जांच में हेरोइन होने की हुई पुष्टि। करोड़ों रुपए बताई जा रही बरामद हेरोइन की कीमत। गंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा व सीआईडी एएसपी कामरा के निर्देशन में चल रही कार्यवाही। इससे पहले बीएसएफ ने सीमा पर 3 किलो हेरोइन बरामद की थी। बीएसएफ ने यह मामला आगे जांच पड़ताल के लिए एनसीबी को सौंप दिया है। यह हेरोइन भी ड्रोन से फेंकी जाने की संभावना व वक्त की जा रही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराम मेघवाल की रिपोर्ट।